हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही राजधानी शिमला में भाजपा और कांग्रेस में होल्डिंग वार छिड़ चुका है। शिमला की प्राइम लोकेशन लिफ्ट कार पार्किंग पर भाजपा और कांग्रेस ने 45x50 फीट के विशालकाय होल्डिंग लगाए हैं। होल्डिंग का आकार इतना बड़ा है कि पार्किंग की चार चार मंजिलें इससे ढक गई हैं। दोनों दलों ने 10 दिन के लिए होल्डिंग लगाने के एवज में 15,000 से 20,000 रुपए किराया चुकाया है। भाजपा ने 31 अक्टूबर की रात को होल्डिंग लगवाया और दूसरे ही दिन 1 नवंबर को ही रात में कांग्रेस ने इसी आकार का होल्डिंग लगवा दिया। शहर में पहली बार लगे इतने बड़े होल्डिंग और इन पर लिखे चुनावी नारे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। बीते दिनों कांग्रेस के होल्डिंग में आ रही है कांग्रेस का नारा प्रदर्शित था, जबकि भाजपा के होल्डिंग में देश का हो रहा सांस्कृतिक पुनरुत्थान प्रदर्शित किया और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के होल्डिंग के आगे जयराम जी के शपथ ग्रहण समारोह में का नारा प्रदर्शित किया, लेकिन आधा होल्डिंग किसी ने फाड़ दिया, जिसके बाद होल्डिंग में शपथ ग्रहण का सपना टूटेगा क्योंकि आ रही है कांग्रेस नारा दिया गया। अब फिर से इसके आगे एक और होल्डिंग लगा दिया गया जिसमें लिखा है कि फिर से विपक्ष में। जानकारी हो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार सुबह शिमला के माल रोड पर भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। आपको ये भी बता दें कि धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल हैं। वहीं कांगड़ा जिले के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में भाजपा के कार्यों को गिनाते हुए कहा कि कोई सोचता था कि क्या हिमाचल में एम्स की स्थापना होगी, लेकिन आज यहाँ पर संस्थान का उद्घाटन हो चुका है। रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आज हिमाचल विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। पर्यटन का विकास हो रहा है। आज इस पहाड़ी राज्य में हर घर जल की सुविधा है। यह केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पालमपुर में ही राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित हुआ था और आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संभव हुआ है। हिमाचल के वीरों ने अपनी वीरता व शौर्य का लोहा मनवाया है। एक तरफ यह देवभूमि है, वहीं दूसरी तरफ यहां से निकलता जवान अपनी फौलादी बाहों से भारत की सुरक्षा को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। इसलिए भारत की सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। अब दुश्मन भारत को टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता। आतंकवाद, अलगाववाद व नक्सलवाद को प्रेरित व प्रोत्साहित नहीं कर सकता। यदि ऐसा करता है तो भारत का बहादुर जवान सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उसका काम तमाम कर देगा। यह मौजूदा भारत की ताकत है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।